अब हमारे पास हैम्बर नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मदानी से काम चला। मदानिया मदानिया वाला तो मतलब मुझे भी सॉस टेस्ट करवाइए। यकीन करो रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, बिल्कुल सेम 100% वैसी टेस्ट आ रहा है। मुझे आज बोलते रेस्टोरेंट चलते हैं, घर पे बनाते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह ये बनाया है हमारे मास्टर शेफ ने। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आर्ट भी। तो आज का कुछ ऐसा व्लॉग है कि थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। और सॉरी यार, असल में क्रिसमस के डे मेरा पहला दिन गया बहुत ज़्यादा बोरिंग, मतलब कोई घूमना फिरना नहीं हुआ उसमें। सेकंड डे मज़ा आया, घर वाले आए थे, दावत थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि फिर वन टाइम वन चीज़ होती है। वैसे भी घर वाले आए हों, खाना वगैरह बनाना हो, तो ये तो लेडीज़ का ही काम है, जैसे कि भूमि का, तो ये सब कुछ वही कर सकती थी, वो उसका ही व्लॉग बन सकता था और मैं बाहर नहीं था जा सकता, तो इसलिए यार मेरा तो मतलब व्लॉग बने ही नहीं है। मेरे को बड़ा बुरा भी लग रहा है कि क्रिसमस डे के मेरे व्लॉग ही नहीं बने, लेकिन खैर कुछ प्लान है हमारे आगे, बताएंगे, कल बताऊंगा वीडियो में। आज भी वो चीज़ आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नहीं हुई, लेकिन कल बताऊंगा, अगर हो जाती है तो, अगर नहीं है तो भी बताऊंगा। लेकिन अभी हम आज बनाने लगे हैं अपनी बेगम के लिए पास्ता, अल्फ्राडो पास्ता, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे फुल एंड फाइनल। और अभी हमारी बेगम ने यहाँ पे जो ना कल वाली बिरयानी जो ना गर्म की है, और अभी हम वो खाएंगे कि बहुत टेस्टी बनी थी। वाह, तो यहाँ पे पास्ता रख दिया है, सही की है, यही वाला सही है, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है, इससे छोटा था वो जो मैं देख कर आया हूँ अभी मार्ट में, तो हमें चाहिए था लंबा वाला। मैं तो वो वाला लेने लगा था, पट्टी वाला नहीं होता तो अच्छा लगता, लेकिन आप पहले बताते मैं लेने लगा था वो, लेकिन मैंने बोला चलो खैर है। तो अच्छा रुको, सो अभी हम यहाँ पर अपनी जो ना रेसिपी बनाने वाले हैं स्टार्ट करते हैं। बस कुछ चीज़ थी एक जो कि हम इनकी दोस्त है वहाँ से लेकर आ जाए, तो शुक्र है मिल गई है, बाकी सारे मसाले हमारे पास है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। और कैसे बनाते हैं ये भी आप देखना, आप लोग इधर शेयर करूँ या नहीं करूँ, खाली बना दूँ और बस इसको टेस्ट करवा दूँ, आप बताओ। नहीं ऐसी कर देते हैं बस, जाए ज़रा कुछ सीक्रेट भी है इसमें, एक आधे जो होते हैं अक्सर तो वो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज बता देंगे। लेकिन ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इससे सस्ता तो अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो उधर मिल जाता है, इसमें ज़्यादा पैसे लग जाते हैं जब घर बनाओ। तो मेरे हिसाब से तो रेस्टोरेंट वाले भी ज़्यादा अच्छे ही है, लेकिन घर पे अपने हाथों का बना के अलग ही मजा है। ये है, उसको क्यों लेकर जा रही, वो नहीं जाएगा, नहीं उसको पकड़ोगे या पतीला पकड़ोगे, चीज़ें पकड़ोगे। चलो देखते जाता है या नहीं, इसके सब ऊपर जाओ ऊपर, वही चले गया है मेन, ये रह गया था ये लेकर आए हम। सो फाइनली हम लोग जो ना अपनी रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको डस्टर बना लेते हैं अभी फिलहाल, बाद में देखेंगे है? इसको ठीक है। अभी हम लोग अपना जो ना स्टार्ट करते हैं, गार्लिक पाउडर, गरम मसाला, आ गया ब्लैक पेपर, रेड चिली, ये आ गया नमक, साथ में कुटी हुई मिर्चें, ये है लेकिन ये अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो ओरिगानो कहाँ गया मेन, तो वो भी है, वो बड़ा वो भी एंड में डालेगा, नहीं इसमें है। ये चार पांच चीजें हमने एक साथ मिक्स करनी, तो चिकन को करेंगे हम लोग फिर इसके ऊपर लगा के इसको मिक्स करेंगे, मसाला पहले अच्छे से सारा एक एक स्पून जैसे भी अपने हिसाब से बना लो, जितना जितना मसाले तो अपने अपने हिसाब से डाल लें। तो ये है, ये वही ना ब्लैक पाउडर है ना, ठीक चले। कसूरी कहाँ गई बेबी, कसूरी में ये भी तो डालना है। हाँ चले, इस पर डाल रहे हैं रेड चिली, काली मिर्ची हमने डाली है, ये क्या है गरम मसाला ना, पिसावा, लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि हमारा थोड़ा ज्यादा है, मेरा ये माइंड कर रहा है ये गार्लिक पाउडर, मैं कम से कम एक और आधा चम्मच डाल, ये वाला चम्मच ले लो। बस इसको ना वो करते हैं दोनों हाथों से, वो मैश करते हैं, सही है, समझ गया, ये तो मेरे को कौन से काम लगा रहे। हाँ ये ना फिर वो हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। जैसे गार्लिक पाउडर हो गया, हाँ बहुत से इनफ, इतना सही, इनफ हाँ इनफ। अब इन स्पाइसेस को हम कर लेंगे मिक्स, नहीं हो रही काम, हमें पिसा हुआ नहीं तो सही, क्या यार अब कर लो यूज, हमारे पास जो है हम उसमें यूटिलाइज करेंगे इसको। चले अब इसको हम कर लेते हैं मिक्स। आज खतरनाक रेसिपी,
सीक्रेट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना हमें। नमक डाला है? नमक तो रहेगा, इधर मिक्स कर दो तो ज्यादा अच्छे हैं। बेबी आप मास्टर शेफ बन जाओ। हाँ, ताकि आपको आसानी हो जाए। हैं संडे का संडे आप बनाना पड़े ना, खाना तो मैं अपने हाथों से बनाती हूं। अच्छा, एक चम्मच आप बनाते हो ना, नमक कितना डालते हो? बस एक चम्मच बहुत है। नहीं नहीं, ये ज्यादा वाला है ही नमक, ये डाइट वाला नमक है, तेज नहीं होता। तो आप सब भी ना पिंक सॉल्ट यूज किया करें। चला कैमरा बंद करें, भी हम इसको अच्छे से मिक्स करके। अब हमारे पास हैम्बर नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मदानी से काम चला रहे हैं। चिकन ना थोड़ा वो हो जाता है, मतलब बैठ जाता है और मतलब पकने में भी आसानी रहती है। अच्छा, फ्लैट हो जाता ना? हाँ, फ्लैट भी हो जाता है और पकने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन ये इसने पीस नहीं सही काटा देगा। आपको ऐसे लाने चाहिए थे। उसने किससे कट लगाया? अरे वो अपने हिसाब से कर रहा था, उसको मैंने बोला फ्लैट चिकन कर इस तरह से, अब उसने कट मार दिए तो पट गया चिकन। तो अभी हम जो ना चिकन में लगाने लगे हैं, मसाला रेडी किया है इसके लिए। अच्छा, रेड चिली इसके अंदर घुमी हो गई ना। मसाला थोड़ा ज्यादा मेरे को लग रहा है बन गया। इसको आगे पीछे से मसाला लगा दो। क्या बोल रहे आप, रेड चिली? मतलब नजर ही नहीं आ रही वो अंदर मसाले का ना, मिक्स हो गया। वो ऐसे ही होता है जब मिक्स मसाले हो जाए, तो कुछ नहीं पता लगता कि क्या अंदर है क्या नहीं है। ऑयल भी गर्म हो रहा है क्योंकि ये गैस हमारी नहीं आ रही। सभी ऑयल को हम इसको ऊपर डाल। अरे ये ज्यादा नहीं हो गया तेल में, है ना? लो फ्लेम पे जी। बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो हम लोग ना फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हैं, तो आई होप अच्छा बने जैसे इन्होंने दिखाया था। चिकन हमारा रेडी हो गया और इन्होंने कट्स लगाया, इतने मज़े की, थोड़ी सी टेस्ट की है, होटल वाला टेस्ट आ रहा है और इतनी जूसी है। जूसी तो बनेगी। होटल का टेस्ट आ रहा है। इसको बंद कर दो, गैस ज़ाया हो रही है फिर भी। सो यहाँ पर जाना, हम लोग हरी मिर्चों को कर रहे हैं फ्राई, बिल्कुल जाएंगे पास्ता में ना, तो इसलिए इसको हल्का हल्का ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके भाई ने ऐसा जबरदस्त मीट बनाया, मैं तो मीट चखा ही नहीं, आपने चखा? चख के देखो, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। उनसे तो बेस्ट ही है, उनसे तो बेस्ट ही है। मजेदार अच्छी खुशबू आ रही है ना, इसको अच्छा से हम कर लेंगे सॉटे। फिर हमने अपनी कढ़ाई में डाला है मक्खन, ठीक है, और साथ में हमने लहसुन के छोटे छोटे से पीसेस करके वो उसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई और इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो देखना, बिल्कुल मेन कोर्स होता है ये रेसिपी का, है बेबी? इन्होंने तो पहले भी बनाया रेस्टोरेंट में ना, तो इनको आता है बनाना, तो इसलिए फिर हम लोग इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, मैदा डाल के फिर हम डालेंगे दूध, दूध की बनाएंगे अच्छे से, फिर इसके अंदर मिक्सर की पेस्ट, उसके बाद हमने चीज़ डालनी है, चीज़ के हमें छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। ठीक है, इसको बनाना ही होता है, सही बात है। सॉस मतलब मेन चीज़ है इसमें ना, टेस्ट होता है, देख मक्खन का वो टेस्ट आ रही खुशबू। कितनी डाली थी मक्खन की टिक्की? हाफ, हाफ से थोड़ी ज्यादा डाल देते। नहीं नहीं, बहुत है ना, फुल पैकेट में ना इनफ है। मेरे के हाथ से थोड़ा सा और डाल देने, सही है वैसे। हाँ, इसके अंदर मैदा ऐड कर दिए, इसके साथ इसको मिक्स करेंगे। लहसुन पर हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना ना, जान नहीं, बस लाइट से फ्राई करना बस। अभी हार्ड सॉस बनेगा। हाँ, इसके बाद हमने फौरन से इसमें दूध डाल देना, दूध का। अभी हम इसमें डाल रहे हैं दूध, हमारा पास्ता ज्यादा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है जान। एक और आधा डाल देते हैं। क्योंकि अभी इसमें क्रीम भी जानी है।
क्रीम मैंने रखी थी यहाँ। नहीं आप पूरा डालो है? तुम पास्ता बहुत ज्यादा बना रहे हो, मैं तो थोड़ा सा बनाना था। तो मैं अपने फ्रेंड को भी देना ना ऊपर। वो तो ठीक है, लेकिन फिर पता है इसमें मसाले इतना था थोड़ी मेरे को आइडिया था। चलो ये मसाले डालेंगे इसके अंदर। हम लोग इसमें करने लगे हैं ऐड अपने मसाले। जन बड़े वाले और यहाँ पर ना कैश आके बैठा हुआ है, इसको ये पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। डाल रहे हैं ये वाली मिर्ची कुटी हुई। जन ये क्यों डालते हैं? इससे देखना भी मसाले में टेस्ट कैसा। ओरिगानो कितना था? थोड़ा सा ही। उसने कम बनाया, हमने ज्यादा बनाया। बस 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 गरम मसाला कितना? कम 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 कम। और कसूरी मेथी भी डालेंगे। कसूरी मेथी मैं वो की थी, मैश की थी। ये आपने बहुत ज्यादा ले लिया पास्ता। हम लोग कम बनाते ना तो अच्छा बनता। ये भी अच्छा बना है हिसाब से। आप तो रेस्टोरेंट बनाते हुए तो आपको तो यार ये थोड़ी इतना बनाते थे, हमारा तो पिज्जे का था, वैसे कभी हेल्प का आउट करवाते थे। ये पता था कि क्या क्या जाता है बीच में। अच्छा घर से बात है, एक इंसान प्रोफेशनली साथ खड़ा होता है ना तो उसके सामने सही बन जाती है। हमें पता था दो मैं मिक्स करूं जम जाएगा। चलो इसको मैं स्लो करूं, मैं चीज करूं, चीज डलेगा इसके बाद। इसे ऐड कर रहे हैं अपनी चीज। लेकिन चीज ना उस तरह से मेल्टी ये हुई हुई है और ये इस तरह से पता नहीं करे या नहीं करे, जो डर ही लग रहा है। चलो जितनी भी हो रही कर दो, अंदर जाके मेल्टी होनी है। मेल्ट तो होनी है लेकिन हुआ तो सही। कितने डाली थी सॉस जो है ना वो काफ़ी हद तक हो गई है, देख सकते हो कितनी थिक हो गई है। अभी हम इस पर क्रीम ऐड कर रहे हैं। मुझे भी सॉस टेस्ट करवाइए यकीन करो, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना बिल्कुल सेम 100% वैसे ही टेस्ट आ रहा है। मुझे बोलते रेस्टोरेंट चलते हैं मैंने घर पे बनाते हैं। और बाकी अगर हम घर पे दिल से और एक्यूरेट सामान के साथ चीज़ें बनाने तो हमें रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिल सकता है। बहुत मज़े का ना मतलब सॉस का टेस्ट है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए, बहुत ज़्यादा बेबी। आई लव यू बेबी, इतना अच्छा बनाया आपने। बताओ फिर मैं को बोलते ना किसी ने बनाऊंगा खिलाड़ो बना है कि आप सॉस देख लो, सॉस आपको सेम ऐसी एज इट इज जैसे वहाँ पे मिलती है वहीं पे मिलेगी। कोई कलर फैक्टर नहीं, कुछ चेंज नहीं है। हाँ हम बहुत ज़्यादा बना रहे, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हमने नहीं जान, स्लो आँच पे। वैसे 2-3 मिनट तक बहुत है, बस मैं पास्ता डाल रहा हूँ। पास्ता साफ है? जी जी। हमने सॉस ज्यादा बनाई है इसलिए क्योंकि हमारा पास्ता ज्यादा है। मैं थोड़ा सा ऐसे रखूंगा ताकि उस मुताबिक रहे पास्ता। थोड़ा सा मैंने वैसे रख लिया, चेक भी तो करें। लड़के बस हमने मशरूम नहीं डाली क्योंकि गर्म होते, ना इसका दिल करता मशरूम का ना मेरा। तो अभी अपनी बेगम को टेस्ट कराते हैं। मैं बहुत दिल से बनाई है ये चीज और इतना ज्यादा बना ले मुझे तो यकीन ही नहीं था। आपकी फरमाइश भी बनाइए, आप मुझे बोलते मुझे बना के तो जिद कर रहे थे। मैं बोला चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, तो इसमें हम पास्ता भी डालेंगे और इसके ऊपर अपना रखेंगे पीसेस। अच्छा ठीक खोलो उसको डालो।
तो अभी हम इसको करेंगे डिश आउट आराम से। ज्यादा बड़ा नहीं है, इसकी छोटी कटोरी पड़ी है। नहीं नहीं आप फैला के करो, इसको फैला देंगे थोड़ा सा। नहीं वो मैं बोल रहा इतना ज्यादा तो नहीं ना हम नहीं, बस 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 ठंडा हो गया तो किस काम का फिर वो। चलो मैं जल्दी से ये वाला पीस रखना उड़ाने जाना। फिर आओ इसको हटाओ। ठीक है कटिंग करनी है ना इसकी भी। लेकर अभी ये के फोग नहीं मिल रही हमें, हमने पता नहीं कहाँ आंटी ने रख दी हमारी, तो फोग मिल ही नहीं रहे हमें। हम कब से ढूंढ ढूंढ के देख रहे, पसीना आ गया मुझे तो फोग नहीं मिल रहे, तो अभी हमें स्पून के साथ ही खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं अभी बारी है इसको टेस्ट करने की। चले बेगम टेस्ट करें आपकी फरमाई और चेक करते हैं कि कैसा बना है। मुझे डर भी लग रहा है तो यहाँ पर इन्होंने वाह भाई वाह क्या कमी है बेगम। पहले तो तुम बोल रहे थे बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है, इतना मजे का ना लगिन का इन्होंने बनाया है ऐसे कि हम रेस्टोरेंट से मंगवाया है ये रे। बहुत मजे का, दिल से बता रही हूँ लगी ना घर पे बना ऐसा रेस्टोरेंट हमने ऑर्डर करके। बस साल में एक दफा मैं बनाया करूंगा, जब भी बनाया करूंगा, ये नहीं कि इसको मेरे हाथ की आदत लग जाए और ये मेरे को बोले मुझे ये बना के दो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ तो कैसा बना है, ये झूठी मूठी तारीफ तो नहीं करी कि इसको मैं बना बना के दूँ रोज। टेस्ट तो है इसमें जल्दी से खाओ, माशाल्लाह ठंडा होगा ना तो बेकार हो जाएगा। जल्दी से कुछ एंजॉय करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सोचो आपने दो बिरयानी प्लेट खाई हो एक घंटे पहले, कितने बजे खाई हमने? 7-8 बजे तक। ठीक है दो प्लेट खाई हो हम दोनों ने और उसके बाद इतना हैवी पास्ता हम लोग कैसे खा सकते हैं सोचो कैसे, क्योंकि टेस्ट इसमें हमने थोड़ा सा चखा है बहुत यम्मी है और हमने थोड़ा स्पाइसी लिया है अपने हिसाब से, अभी हमें थोड़ा स्पाइसी लग रहा है तो बहुत टेस्टी था, इसलिए दो बिरयानी प्लेट के बाद अब ये भी खा लिया है। ये वैसे भी स्पाइसी होता है, इस तरह से नहीं होता जैसे हमने रखा हुआ है थोड़ा सा। हाँ होता सही है लेकिन बहुत लाइट होता है, मतलब वो वाला स्पाइस नहीं जो आप समझ रहे हो, इसमें काली मिर्चों का स्पाइस रहता है। लेकिन हमने चीजों के हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से हाँ बिल्कुल सही बनाया है। आप लोग देख रहे हैं मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए ऐसे स्टार्ट हो गई। तो फाइनली हम लोग 2-3 घंटे से यार किचन में घुसे हुए थे, अभी निकले हैं, मतलब 7 बजे के गए हुए थे हम लोग, 7 बजे हाँ 7:30 बजे के गए हैं, देख लो ये टाइम हो गया। बस पोमी को बहुत मज़ा आया है, थोड़ा सा और पास्ता पड़ा हुआ है, लाइक इतना सा पड़ा हुआ है, मेरे पास चीज़ भी है और बकाया जो है क्रीम वगैरह लानी होगी, फिर किसी दिन बना दूंगा कल परसों को। अभी मेरी आँख लग गई थी तो आज का हमारा ये वाला यहीं तक, उम्मीद करते हुए पसंद आया, पसंद आया लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।